में बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, कश्मीर गेट तक आ गई है और हमारा पानी 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 दिखा रहे हो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पूनम की दुनिया में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो हस्बैंड जी जो टाइम है मतलब 11 बजे का टाइम है, सुबह के सारे काम हो गए हैं आज, जल्दी सारे काम हो गए थे। हस्बैंड जी जा चुके हैं, सारिका भी स्कूल चली गई है और बस ये लास्ट मेरा काम था पोछा लगाना, बाकी सुबह का जो सारा काम है ना मेरा वो सारा हो चुका है। और यहाँ पे ये देखिए मेरे अक्षु यहाँ पे खेलने लग रही है, देखो मज़े से। मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब मैं पोछा लगाती थी, कोई उस टाइम पे गीले में पैर रख देता था, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या करें, बच्चे तो मेरे पीछे पीछे लगी रहती है, अक्षु है ना, जहाँ मैं जाऊँगी रुकती नहीं है। और सोते टाइम अगर मैं पोछा लगाती हूँ ना, ये मैं जब ड्राई करती हूँ इसमें पोछा, अगर इसकी थोड़ी सी भी आवाज़ तो होती है और ये अक्षु के कान में जाती है ना, उठ जाती है। तो इसलिए मैंने ना उस टाइम पे पोछा छोड़ दिया था और मैंने बाकी सारे काम कर लिए थे, नहाना धोना वगैरह सब कर लिया था, और छोटे मोटे कपड़े जो थे वो भी मैंने अपने धो के जो है डाल दिए, और मैंने सारे में लगा दिया पोछा। तो उसके बाद मैं इधर आ गई थी अपने अक्षु को खिलाने के लिए, उसकी खिचड़ी बनाई थी मैंने, तो यहाँ पे मैं खिचड़ी जो है उसको खिलाने के लिए ले आई थी। तो यहाँ मुझे इसको जो खाना खिलाना होता है ना, टीवी दिखा के फिर खिलाती हूँ खाना, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, रोती रहती है। और यहाँ पे ना उसको थोड़ा खेल में लगा लगा के और टीवी दिखा के, वो उसका फेवरेट सबसे सॉन्ग है बम बम भोले मस्ती में डोले, ये वाला सॉन्ग आजकल बहुत देखने लगे। पहले तो हरियाणवी सॉन्ग ज़्यादा देखती थी, लेकिन आजकल ना ये वाला सॉन्ग जो लगा दो ना आराम से बैठ के खाना खा लेती है। तो अभी मैंने इसका वही सॉन्ग लगा रखा है और यहाँ पे उसको थोड़ा सा ना खेल में लगा लगा के उसके बातें कर रही हूँ, डांस वगैरह मतलब ऐसे करके। इस तरह बच्चों को बहला फुसला के ही खिलाना होता है, नहीं तो ऐसे तो खाना खाते नहीं। और बॉटल में इसके लिए मैंने ले रखा था पानी, क्योंकि ग्लास में लेके बैठो ना बार बार ये गिर देती है, तो यहाँ पे ना मैंने बॉटल में ले लिया था। बॉटल के निप्पल तो मैंने कट कर रखे थे आराम से दूध पिलाने के लिए, क्योंकि दूध ही बिल्कुल नहीं पीती है ना बॉटल से ना ग्लास से, दूध बड़ी मुश्किल से पिलाती हूँ मैं इसे। तो उसके बाद मैं इधर आ गई थी कपड़े उतारने के लिए, जो मैंने यहाँ पे कपड़े मैंने धो के डाल रखे थे ना, सूख चुके थे ये परसों धोए थे जो मैंने कपड़े, और यहाँ से कपड़े उतार रही हूँ। और यहाँ देखो अक्षु अपना काम करने लग रही है फैलाने का, मैं यहाँ समेटती हूँ और मेरी अक्षु जो है यहाँ पे सारा सामान जो है फैलाती है। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े उतार रही हूँ और ये ना क्या कर रही है, यहाँ से धुले हुए कपड़े उतार करके उसने उसमें डाल रही थी, तो मैं सारा उसका हाथ से छीन के बार बार रख रही थी। तो अभी मैं कपड़े उतार करके आ गई हूँ और अक्षु भी देखो मेरे पीछे पीछे आ गई है वॉकर लेके, आप देख रहे होगे पूरे टाइम ही मेरे पीछे पीछे यहाँ घूमती रहती है। तो उसके बाद अभी सारिका के ना स्कूल से आने में टाइम था, तो मैं यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड करने के लिए बैठ गई थी। अक्षु मेरे यहाँ पे अभी खेलने लग रही है देखो, तो उसको मैंने वॉकर में बिठा रखा है क्योंकि बेड पर बिठाती हूँ, तो यहाँ पर ना सारे कपड़े मैं जो फोल्ड करके रखती हूँ सारे कपड़े फेंक देती है, इस वजह से मैं उसे नीचे छोड़ देती हूँ, मतलब नीचे छोड़ रखा है अभी मैंने, और इसलिए कपड़े फोल्ड आराम से हो पा रहे हैं मेरे, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं करने देती है। और कपड़े इतने सारे हो गए हैं, सोचो कैसे फोल्ड करूँ बैठ के काफ़ी टाइम लग जाता है सारे कपड़े, और जो प्रेस के कपड़े हैं ना वो मैं साइड में सारे निकालती जा रही हूँ, यहाँ पर साइड में रखती हूँ, प्रेस बाद में करूँगी, अभी जो है कपड़े सारे जो है वो फोल्ड कर ले रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े जो है मेरे फोल्ड हो गए हैं, तो अक्षु और सारिका के कपड़े मैं रख चुकी हूँ। जो बेड के साथ में जो मेरा रैक रखा हुआ है एक, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था पहले आपके साथ मैंने शेयर भी किया है वो, और उसमें मैं अक्षु और सारिका के कपड़े रखती हूँ। और अंदर जो अलमारी रखी है उसमें मैं अपने और हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ। सारिका की उसमें फ्रॉक रखी रहती है जो वो पहनती नहीं है, मतलब कभी कभी पहननी होती है जो फ्रॉक्स वगैरह, वो उस अलमारी में अंदर रखते हैं, और बाकी जो है मैं इसके रोज़ पहनने के इसमें रखती हूँ रैक में। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने इधर काम करने के लिए। और फ्रेंड्स आपसे बस एक बात बताना चाहती हूँ, मैं पूरे दिल्ली एनसीआर में पानी पानी हो गया है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है,
तो लाल किला और ये इंडिया गेट वगैरह, कनाट प्लेस, सारे में पानी नोएडा तक आ गया है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। न्यूज़ देखी थी मैंने तो उसमें मतलब देख के भी ना बहुत ज़्यादा सोच के भी डर लग रहा था कहीं मतलब और आगे ना आ जाए, क्योंकि इंडिया गेट और दिल्ली, वो इंडिया गेट और ये लाल किला ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। और अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब ये सोच सोच के थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं यहाँ ना हो जाए, यहाँ होता पता नहीं क्या होगा। न्यूज़ देख देख के ना मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ले लेके लोग कैसे रह रहे हैं और खाने पीने का भी कुछ जुगाड़ नहीं है। तो और उसके बाद ये देखिए मेरे कपड़े जो थे यहाँ पर प्रेस करने बैठ गई थी, सारिका को ट्यूशन छोड़कर आ गई थी और ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं प्रेस करने बैठ गई थी। मेरी अक्षु सो गई थी अभी, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा मैं प्रेस कर लेती हूँ इतना। और फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही जो भी फ्रेंड्स चैनल पे न्यू आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे भी जो वीडियो आए और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ तक तो इतनी मेहनत से मैं पहुँच गई हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ना अभी ना थोड़ी हिम्मत से टूटती नज़र आ रही है मुझे अपनी, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक के आने के लिए। मेरा चैनल मोनो हो गया, सब हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है हिम्मत टूट रही है मेरी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अब थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा, व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि यूट्यूब मेरी वीडियो का इम्प्रेशन आगे बढ़ाए और व्यूज़ थोड़े इंक्रीज़ हो सकें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, रात का पता नहीं है, दिन का पता नहीं है, पूरे दिन ऐसे लगे रहते हूँ। बच्चों के साथ वीडियो बनाना, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, मतलब सारिका को ना ट्यूशन से मैं ले आई थी और उसके बाद उसकी एक ज़िद थी कि मुझे दाल चावल खाने हैं, और मसूर की दाल खाने के लिए ज़िद कर रही थी, बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो वैसे तो सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी सुबह की, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो फिर मैं बना देती हूँ, उसकी फरमाइश है तो बच्चों के लिए बना देना चाहिए जो बच्चे बोलते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं मसूर की दाल जो है पहले साफ़ कर ली है। हमें जब भी कुछ बनाना हो, चावल या दाल जो भी है, एक बार ना साफ़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो वैसे ही बारिश का मौसम है तो आजकल जल्दी वैसे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो वो जो कीड़े वगैरह उसमें जो लग जाते हैं। वैसे तो मैंने लौंग वगैरह डाल के रखी हुई है अपनी दाल वगैरह में, लेकिन फिर भी बारिश का मौसम में हो ही जाते हैं। लेकिन और वैसे भी चाहे जब भी बनाओ तो हमेशा साफ़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अच्छे से मैंने दाल वगैरह साफ़ करके धो के चढ़ा दिए बनने के लिए, और उसमें साथ ही एक मैं छोटी सी आम भी रखी थी वो डाल दिया, और इसमें डाल दूँगी नमक और थोड़ी सी हल्दी और उबलने रख दूँगी, और साथ में ही मैं जो है चावल भी अपने साफ़ कर लूँगी। चावल भी पहले मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद ही है जो बनने के लिए चढ़ाऊँगी, क्योंकि उसे दाल चावल खाने तो साथ साथ ना दोनों चीज़ बन जाएंगी, और उसके बाद जो चावल बनेंगे तो मैं अपना जो है तैयारी कर लूँगी तड़का लगाने के लिए। तो ये देखिए अभी चावल जो है मैं अपने साफ़ कर रही हूँ, जल्दी से साफ़ कर लिए हैं, और अब मैं चावल भी धो के जो है चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी अक्षु भी मेरी टीवी में मस्त है, टीवी चला करके आई हूँ, वोकर में बैठा दिया आराम से, वहाँ वोकर में बैठ के अपना टीवी देख रही है और सारी कर बैठी है, तो अक्षु भी खेल रही, इतनी देर में मैं अपना जो है खाना बना लूँगी, क्योंकि वो मेरे को देखती है ना, अभी मैं इसलिए रूम में नहीं गई हूँ, मेरे को देखते ही जो है मेरी गोद में चढ़ जाती है। तो यहाँ पे सारिका ना वो जो आम भी थोड़ी सी बची थी खाने के लिए बोल रही थी, तो मैंने बची क्या मैंने बचा दी थी उसके लिए, उसको खानी थी, तो फिर उसने चाट के रख दिया कि नहीं खानी है मेरे को। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल चढ़ा दिया, और यहाँ पे ना अक्षु आ गई थी बाहर निकल के वॉकर में, तो मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा हिला दिया था उसने। तो दोनों चीज़ बन रही हैं, और यहाँ पे मैंने जो अपना प्याज वगैरह भी जो है कट कर लिया है, ये देखिए, और ज़्यादा प्याज नहीं डालूँगी, एक प्याज लिया था, बड़ा प्याज था तो मैंने उसमें से आधा ही कट किया है, क्योंकि ज़्यादा प्याज डाल के मैं तड़का लगाती हूँ ना तो सारिका ना खाती नहीं है, कहती मम्मा प्याज मुँह में आ रहा है, पता नहीं कैसी है, उसको कुछ पसंद ही नहीं आता खाने में, तो इसलिए ना प्याज थोड़ा सा मैं कम ही डाल रही हूँ तड़का लगाने में। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, और यहाँ पर ना कुकर जो अभी उसकी सीटी निकली नहीं थी तो मैंने अभी उसकी सीटी निकाल दी है, और दाल में तड़का लगाने के बाद मैं आ गई थी इधर रूम में। अक्षु मेरी रो रही थी मेरे को देख देख के, वोकर में वही खड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैं अभी आ गई थी उसको थोड़ा सा यहाँ खिलाने के लिए। तो यहाँ सारिका कर रही थी डांस, टीवी चल रही थी,
और अक्षु मेरे पास आते ही एकदम से खुश हो गई थी। तो अभी अक्षु को फिर से मैं छोड़ करके आ गई थी। इधर मेरे चावल और दाल जो हैं दोनों ही बन चुके हैं। चावल मैं हमेशा माड़ निकाल के बनाती हूँ। पहले ना जो मतलब शादी से पहले जो मेरे यहाँ मम्मी के यहाँ चावल बनते थे हमेशा ऐसे बनते थे बिना माड़ निकाले। तो अब जो मेरी आदत पड़ गई है यहाँ से आई हूँ शादी होके, तो सासू माँ ना हमेशा बाहर निकाल के चावल बनाती है। तो उनके साथ जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मतलब खाते खाते ना वही आदत पड़ गई। तो अब मैं भी ना माड़ निकाल के हमेशा चावल बनाती हूँ। अभी हो गया है रात का टाइम और हमने खाना वाना सब खा लिया। देखो हस्बैंड जी देखो ये कर रहे हैं, दूध गर्म कर लिया है और चीनी भी ला रहे हैं। और ये देखो सब्जियाँ लेकर के आए हैं, देखो ये कितनी महंगी सब्जियाँ आ रही है। और हमारे यहाँ ना दिल्ली में सच में बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है। कहाँ तक आ गई बाढ़? लाल किला कश्मीरी गेट डूब चुका है। लाल किला कश्मीरी गेट तक आ गई है और हमारा घर मतलब ज्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और अब मेरे दिमाग में ना वही चल रहा है, बच्चों की भी छुट्टियाँ कर दी है स्कूल की। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनको लग रहा है एक या दो ही दिन है उसके बाद हम भी पानी पानी के आसपास ही होंगे। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सारे में न्यूज देख रहे हैं सारी जगह पानी 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 दिखा रहे हैं उसमें जल सब जगह जल। और मैंने ना मतलब स्कूल से मैसेज आया कल ऑनलाइन क्लास है सारिका की और स्कूल नहीं जाना है मंडे को जाना है। तो टेस्ट था वो भी तो अपना परेशानियाँ है भैया और हमारी मतलब अपनी परेशानियाँ हैं। थोड़ा आप फास्ट फूड जो वगैरह वगैरह है खाने का मुझे डर लग गया भैया खाने का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़ देख रहे हैं ना। कश्मीरी गेट यार कितनी दूर है कश्मीरी गेट? हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। आ गया और न्यूज़ देख देख के ना डर लग रहा है मतलब लोग कैसे रह रहे हैं और खाने का नहीं मिल रहा है कुछ, बच्चे परेशान हो रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा देख देख के मुझे वो आ रहा मन में कहीं यहाँ पे भी हो गया तो कैसे क्या होगा। बहुत परेशान हो रहे हैं गाइस, किस किस के आसपास पानी है तो जरूर बताना और बहुत हेल्प होगी। किस किस के यहाँ पे ऐसा हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखो कोशिश करें अपना सूखा आइटम ला के रख लें। हाँ तो हम लोग ये भी कर रहे हैं सब्जी वगैरह, मतलब मेरे को लग रहा है मिलेंगी नहीं आने वाले एक हफ्ते में, पता नहीं क्या होगा। तो ना सब डूब गया ना यार, उससे असर पड़ता है ना मार्केट पे, बहुत असर पड़ेगा। आगे का सोच के वही सोचे थोड़ा बहुत खाने का आइटम जो है घर में ला के रख ले गाइस, फास्ट फूड बच्चों के साथ। और कमेंट जरूर चाहिए बताना है आपको कि ये सब्जियाँ ये सब्जी लेकर आए हैं। देखो ये कितनी ये तीन चार सब्जियाँ लेके आए, देखो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो ये तो ये नाशपाती है बब्बू गोश है, नाशपाती है ये है नाशपाती। नाशपाती में ना कंफ्यूज आती हूँ बब्बू गोश और नाशपाती में। ये नाशपाती हरी मिर्च देखो अरबी और ये है मिर्च, ये वो वाली है मसाले वाली बनाने वाली। हाँ भैया ये तोरी कुछ तो खाने को होगा, भिंडी आलू प्याज ये कितने की आई है सब्जी? कुछ मत बहुत महंगी है आज ये सर पड़ा पता चल गया मुझे। 200 रुपए किलो टमाटर है हमारे यहां, 250 रुपए की सब्जी आई है। 200 नहीं 240 यहां पूछा था रेडी पे 240। गाइस एक और रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट टमाटर का रेट, टमाटर किसके यहां क्या रेट है बताना जरूर मुझे कमेंट करके। तो चलिए खाना वाना सब हो चुका है, दूध पी लेते हैं, दूध हस्बैंड जी लेके गए हैं, सब्जी निकाली है, सब्जी निकाल के रखूँगी मैं फ्रिज में। तो चलिए यहीं पे करते हैं आज की वीडियो एंड, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना आप लोग और जो भी फ्रेंड्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, गुड नाइट।